ये वीडियो देखने के बाद आपका मेरे लिए क्या ओपिनियन होता है, या किसी भी पर्टिकुलर एकेडमी के लिए क्या ओपिनियन होता है, किसी भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए क्या ओपिनियन होता है, वो मुझे उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो काम है वो कंटिन्यू करूँगा। लेकिन इस वीडियो में मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक चीज़ बोलने वाला हूँ, और इनमें से कई लोगों को वो चीज़ पता भी होती है बट उस चीज़ को फील नहीं कर पाते हो और रियलाइज़ नहीं कर पाते। फील तो कभी कभी होता भी है, रियलाइज़ नहीं कर पाते। एंड द वनली स्ट्रेट एंड सीधी बात, नो बकवास, जिसके ऊपर मैं बोलूँ ना, कि अगर आपको लगता है कि कोई एक एजुकेटर या कोई प्लेटफॉर्म, कोई दोस्त, कोई ग्रुप, कोई भी चीज़ आपको सीधा एग्ज़ाम क्रैक करवा सकती है, आपके सपनों को आपसे मिला सकती है, चाहे कोई लव्ड वंस, कोई फैमिली, कुछ भी आपको लगता है कि कोई इंसान जो है आपको आपके सपनों से मिला देगा, आप किसी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको लगता है कि वो उससे करवा देगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। दुनिया में कोई भी इंसान आपको आपके सपनों से नहीं मिला सकता। एक ही इंसान है या एक ही वो पर्सन है जो मिला सकता है, वो आप खुद हैं। अगर आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में बैठने वाला इंसान सिर्फ आप हैं। किसी जिंदगी के जद्दोजहद से लड़ रहे हैं, तो उस जद्दोजहद से लड़ने वाला इंसान आप खुद है। अगर किसी इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, तो उस इमोशनल क्राइसिस से भी लड़ने वाला इंसान आप खुद है। आप अगर किसी चीज़ में फंसे हुए हों, आपको किसी साथ की ज़रूरत है, तो उस साथ में भी सबसे पहले आपके साथ खड़े होने वाले इंसान आप खुद हैं। कोई और नहीं है जो आपके साथ पूरी लाइफ खड़ा रहेगा या पूरी लाइफ आपका साथ देने वाला है किसी भी सर्कमस्टेंसेस पे। आपको लगता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म जो 100% सेलेक्शंस ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, मैं भी बोलता हूँ ऐसा नहीं है। लगता है कोई प्लेटफॉर्म आपको 100% सेलेक्शन दिलवाएगा, या कोई आपको क्रैक करवा देगा, बेटा मेरे से पढ़ लो ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा? नहीं होता भाई। बहुत मेहनत पुट करनी पड़ती है, हजारों लोग लाइन में लगे पड़े हैं, लाखों लोग लाइन में लगे पड़े हैं, और एक आप लोगों को समझ में नहीं आता चीज़ें। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ ना। कभी भी लाइफ में आपने कभी नोटिस की होगी, जितने भी मीठे लोग हमारी लाइफ में मिलते हैं ना, अक्सर उनमें ज़्यादातर शैतान होते हैं, जो बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करता हो, बस कंडक्टर हो, चाहे आपका किसी भी मित्र की बात करो, चाहे कोई भी जो बहुत मीठी बातें करता है ना, उसके मन में अक्सर खोट नज़र आता है, या वो कहीं ना कहीं से टेढ़ा निकल ही आता है उसका जो दूसरा चेहरा होता है, क्योंकि मीठी बातें उसे करने की ज़रूरत पड़ती है जिसके पीछे कुछ छुपा होता है, जिसको पता है कि वो एज अ कोकोनट है। करेले को अपने ऊपर शुगर कोटेड बातें रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेडिसिन को बताना नहीं पड़ता कि मैं जो है पहले शुगर रखूंगा क्योंकि मैं अंदर कड़वा हूँ। नो, सो द कंडीशन इज़ लाइक कि जब ऐसी चीज़ें होती है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ आपके साथ जो हो रही होती है, अगर वो आपको प्लीज़ कर रही है, तो वो आपके लिए अच्छी है। ज़रूरी नहीं है। आपको जो अच्छी लगती है वो आपके लिए अच्छी हो, ये बात ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जो आपके लिए अच्छा है वो आपके कर्मों से डिसाइड होता है, ये नहीं कि आपको फील कैसा होता है उस चीज़ को लेके। जस्ट सपोज कि मैं आपसे बहुत अच्छे से बिहेव करूं, और आपको लगता है कि यार ये पर्टिकुलर बंदा तो बहुत अच्छा से बात कर रहा है, एंड ही इज़ अ वेरी गुड काइंड ऑफ पर्सन, मे बी कोई और किसी भी तरीके से कर रहा हो, आपको अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा। कई बार ऐसे होते हैं, जैसे हमारी लाइफ में बहुत सीधा सा एग्जाम्पल है भाई, बहुत सारे ऐसे लव्ड वंस आते हैं जो बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको लगता है ज़िंदगी का हमसफ़र तो मिल गया, लेकिन वही काट के जाते हैं। क्यों ऐसा क्यों? अगर हमनेस से या सिर्फ स्वीटनेस ही सब कुछ डिसाइड होता, तो बात ही क्या थी। एंड इट्स नॉट अबाउट स्वीटनेस एंड ऑल, इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी दैट द ओनली वन पर्सन दैट कैन हेल्प यू इन योर ऑल ड्रीम्स, इन योर ऑल स्ट्रगल्स, इन एवरीथिंग दैट इज यू। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। अगर सिर्फ कोचिंग की वजह से कोई क्वालिफाई कर रहा होता जनाब ना, तो कोई अकेले क्वालिफाई नहीं करता। यूपीएससी के टॉपर ऐसे नहीं बैठे रहते बिना, जिनको करना होता है ना, वो भाई अकेले मेहनत करके भी कर जाता है, उसको किसी प्लेटफॉर्म, किसी टीचर की तक जरूरत नहीं पड़ती। और टीचर आपको सपोर्ट कर सकता है, टीचर आपको रास्ता दिखा सकता है, टीचर आपको कैसे शिकार करना ये बता सकता है, टीचर आपको कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना ये बता सकता है, लेकिन सॉल्व किसको करना है वो आपको करना है। अगर जिस दिन आपको ये समझ में आ गई, जिस दिन आपको ये रियलाइज हो गया कि दैट इज ओनली यू, दैट यू हैव टू डिसाइड योर फ्यूचर,
There's nothing, nobody is responsible for your future. You will give credit or not, you will blame any person or any organization or not, it is totally depends on you. But आपके लाइफ में जो हो रहा है और जो होगा इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है. आप चाहे इसको यकीन करें, इसको एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन लेटर ऑन ये चीज़ आपको रियलाइज होने वाली है. और सीधी बात, नो बकवास पे, इसलिए मैं आपसे ये बात बोल रहा हूँ कि जितना जल्दी हो उतना समझ जाए, क्योंकि आप मेडिकल 9th 10th के स्टूडेंट नहीं है जनाब, कि आपके पास बहुत ज़्यादा वक्त है. आपके पास वक्त बहुत कम है. आप उस स्टेज पे खुद ही हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है अपनी ज़िंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट करने का, अपने करियर के साथ एक्सपेरिमेंट करने का. आपके पास एक स्पेसिफाइड फील्ड खुद ही आ चुका है और उसमें जी जान से मेहनत लगा के करने का. और एक बार फिर से मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें, किसी कोचिंग की हेल्प लें, किसी एजुकेटर की हेल्प लें, बिल्कुल नहीं. अगर आपको लगता है वो सही भी है एक हद तक, लेकिन आपको लगता है अगर आप सोल्ली डिपेंड हो जाएंगे सामने वाले पे कि वही अब करेगा, भैया मुझे कुछ नहीं करना है, सो दैट इज़ टोटली ब्लंडर. आपको पता होगा कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है और कैंसर से लड़ने के लिए मेडिकेशन से ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है मेंटल स्किल की. जो इंसान जितना साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होता है वो उतना ही अच्छा कैंसर से फाइट कर पाता है. किसी भी कैंसर फाइटर से बात करिए वो हमेशा कहेगा कि मैं इंटरनली नहीं हारा, मेरी बॉडी हार गई थी, मेडिकेशंस हार गए थे, डॉक्टर्स हार मानने वाले थे, लेकिन मेरा इंटरनल सेल्फ नहीं हार माना था, मैंने लड़ा और मैं जीत गया. जब इतनी बड़ी बीमारियों को आप अपने मेंटल थिंक से हरा सकते हैं तो आप सोचो अपने करियर के लिए क्या नहीं कर सकते. इससे ब्रेन से, थॉट्स से, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू आर द ओनली रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर योर लाइफ एंड योर करियर इन एवरीथिंग. कल को अगर कुछ भी अलग होता है ज़िंदगी में तो उसका ब्लेम किसी भी इंसान पर डालते हैं तो सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान आप ही होंगे. इसलिए अपनी गलतियों का जिम्मा खुद उठाइए और उन्हें सुधारिए और अपनी ज़िंदगी बदल दिए. जो इंसान आज को बदल देता है वो कल या सुनहरे कल की अपेक्षा कर सकता है, उम्मीद कर सकता है. अगर आपका आज बेहतर नहीं हुआ तो कल भूल जाइए. और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो उन सभी लोगों तक पहुँचाइए और उन्हें बताइए कि वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है अपनी लाइफ के लिए, कोई और नहीं है, बाकी सब हिस्सा है उनकी लाइफ के, बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं है. थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच. बाय बाय.